दोस्तों, आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसने हमें रूबरू करवाया हकीकत से, अपने ही देश में हुए कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार से। आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा और आपने अपने आप को लाचार भी बहुत महसूस किया होगा कि क्यों हम अपने ही भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पाए। मूवी में आपने कैरेक्टर देखा होगा बिट्टा कराटे। कौन था ये बिट्टा कराटे? कहाँ से आया था? क्या इसे मार दिया गया है या भारत सरकार ने इसे फांसी दे दी? जी हाँ, आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज हम देंगे। दोस्तों, मूवी के अंदर बिट्टा कराटे कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है, ये एक रियल मिलिटेंट है जो कि कश्मीर का रहने वाला है। इसका जन्म 1973 में श्रीनगर में हुआ। इसका परिवार श्रीनगर में ही बिजनेस करता था। ये एक पाकिस्तानी प्रेमी था। इसका असली नाम फारूक अहमद दार है। इसका नाम बिट्टा कराटे इसलिए पड़ा क्योंकि ये मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट था। पर ऐसा क्या हुआ कि ये मिलिटेंट बना, आइए जानते हैं। पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ शुरू से एक ही स्ट्रेटेजी रही है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। 1965 में भी पाकिस्तान ने इंडिया में पैराट्रूपर्स गिराए थे और उस समय इन्हीं कश्मीरियों ने उन्हें पकड़कर सेना के हवाले किया था और पाकिस्तान का मिशन फेल किया था। अब पाकिस्तान को ये पता चल गया था कि बिना कश्मीरियों की मदद से हम कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकते। 1980 के दौर में पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई और कश्मीरियों का ब्रेन वॉश करना शुरू किया और अपने लिए एक बेस बनाया ताकि कश्मीर में अनस्टेबिलिटी ला सकें और इजिली कश्मीर पर अटैक कर कश्मीर को भारत से अलग कर लें। और उन्हें ये मौका मिला 1988 में, जब 1987 में सभी अलगाववादी नेता एक साथ आए और उन्होंने अपनी एक मुस्लिम पार्टी बनाई, मुस्लिम यूनाइट फ्रंट, और इन सब ने मिलकर 1987 के इलेक्शंस लड़े और ये लोग हार गए और सरकार बनी कांग्रेस की। फिर इन्हीं लोगों ने जनता को भड़काना शुरू किया कि इलेक्शन में सरकार ने इन्हें कॉन्स्पिरेसी से हरा दिया और लोगों को इतना भड़काया कि सभी मुसलमान सरकार के खिलाफ हो गए और इसी मौके का इंतजार था पाकिस्तान को। 1987 के बाद जैसे ही ये मुस्लिम पार्टी सारी, ये सब लोग एक साथ आ गए और इन सब ने मिलकर सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। इन मुस्लिम पार्टीज के लीडर्स का काम था लोगों का ब्रेन वॉश करना। इन्होंने लोगों को इतना भड़का दिया और उनके दिमाग में ये बैठा दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इन्होंने यूथ को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया और वहाँ नारे लगवाए कि लेके रहेंगे आज़ादी, छीन लेंगे आज़ादी, मर कर लेंगे आज़ादी। इन अलगाववादी नेताओं को भी भड़काया पाकिस्तान ने, इन्हें फंडिंग दी, इन्हें हथियार दिए। कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए जो कुछ हो सकता था वो किया पाकिस्तान ने। कश्मीरियों को मिलिटेंट बनाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके में कैंप लगाए, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें हथियार दिए, उन्हें पैसे दिए। इस दौरान कश्मीर में काफी डर का माहौल था और सरकार ने भी कश्मीर पर इतना ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कश्मीर को भूल चुकी है। इन्हीं पाकिस्तानी कैंप्स में 1988 में बिट्टा कराटे को ट्रेनिंग मिली थी और इसे वहां लेके गया था मोहम्मद अशफाक वानी, जो कि एक अलगाववादी लीडर था और उस समय JKLF का चेयरमैन था। 1988 में बिट्टा कराटे मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग करने गया था और 1989 में ये वहां से वापस आया। 1989 में कश्मीर में रोल शुरू होता है बिट्टा कराटे का। ये कुछ नहीं बस पाकिस्तान की कठपुतली थी जो कि उनके इशारे पे चलती थी। आपने इसके इंटरव्यू में देखा होगा कि इसने सबसे पहला मर्डर किया सतीश टिक्कू का। सतीश टिक्कू इसका दोस्त था, ये एक साथ ही घूमा करते थे। सतीश टिक्कू को इसने इसलिए मारा क्योंकि वो एक RSS का मेंबर था। बिट्टा का ब्रेन इतना वॉश कर दिया गया था कि इसने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि अगर ऊपर से ऑर्डर आए तो माँ बाप भाई बहन किसी को नहीं देखेगा, सबको मार देगा। बिट्टा कराटे अपने साथ पिस्टल रखता था और किसी को भी मार देता था। इसने अपने इंटरव्यू में खुद कहा कि शुरू शुरू में तो थोड़ा डर लगता था, बाद में इस काम में मजा आने लगा। बिट्टा कराटे को ऑर्डर आते थे इसके आका अशफाक वानी से, जो कि पाकिस्तान से ऑर्डर लेता था। इसने अपने इंटरव्यू में खुद कहा कि पाकिस्तान 1990 में भारत पर अटैक करने वाला था और कश्मीर को भारत से अलग कर अलगाववादियों को उसकी पावर सौंप देगा, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान पीछे हट गया। पाकिस्तान खुद जानता था कि वो भारत को कभी नहीं हरा सकता, आज कल परसों कभी नहीं हरा सकता। बिट्टा कराटे चाकू, पिस्टल, बॉम्ब, AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल करता था। इसने अपने इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि इसने 20 लोगों को मारा है, पर हकीकत यह है कि इसने हजारों लोगों को मारा है। इसने बच्चे, बूढ़े और तो किसी को नहीं छोड़ा। 22 जून 1990 को BSF ने इसे अरेस्ट कर लिया और 2006 में ये बेल पर बाहर आया। जब इसे पूछा गया कि आपने कितने लोगों को मारा, इसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो इंटरव्यू उसने स्ट्रेस में आकर दिया था। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये कहाँ है, क्या ये जिंदा है या मर चुका है? दोस्तों, ये आज भी जिंदा है। ये 49 साल का हो चुका है और ये श्रीनगर में रहता है। आज के समय में इसके पास करोड़ों की संपत्ति है। आप लोग जान के हैरान होंगे कि इसने अपना पहला खून 16 साल की उम्र में किया था। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, इसे फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर इतनी मेहरबान है कि आज तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ना लोगों ने गवाही दी, जिसकी वजह से आज तक खुलेआम घूम रहा है। दोस्तों, अब सरकार बदली और 1991 में आई आर्मी,
क्योंकि 1991 से 1996 तक कश्मीर में लगा प्रेसिडेंट रूल। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और अब शुरू हुआ इन मिलिटेंट्स को खत्म करने का काम। और सबसे पहले मारा गया बिट्टा कराटे के आका को, यानी कि अशोक वानी को। एक एक मिलिटेंट को मारा गया और जम्मू कश्मीर में मची इस गंध को साफ किया गया। दोस्तों, बिट्टा कराटे ने 1 नवंबर 2011 को शादी की थी अजबा अजरुमत खान से, जो कि जबरदस्ती की गई थी। अजबा अजरुमत खान ने 1999 में मास्टर्स डिग्री की मीडिया कम्युनिकेशन में कश्मीर यूनिवर्सिटी से। ये एक प्रोबेशन ऑफिसर थी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। 2019 में NIA ने बिट्टा कराटे को फिर से गिरफ्तार किया टेरर फंडिंग, पाकिस्तान के साथ संपर्क बनाने और हवाला के इल्ज़ाम में। इस समय ये बेल पर बाहर है और अपने आप को समाज सेवी और मुसलमानों का मसीहा बताता है। इस पर आज भी कई टेरर केसेस चल रहे हैं। उम्मीद है हमारी मौजूदा सरकार और आर्मी जल्द ही इसे इसके अंजाम तक पहुंचाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।